ये यहाँ पे एक हो रहे एक ही गाड़ी मुकम्मल तौर पे तबाह हुई। ये वो स्पॉट है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। ये वो गाड़ी है जो हादसे में जो डैमेज हुई है। ये देखें आगे जो तीन गाड़ियाँ जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोग आज मौजूद हैं कराची एयरपोर्ट से, जहां से अभी तकरीबन एक घंटा पहले एक खबर व्हाट्सएप पे बहुत तेज़ी से फैली है और उसके बाद ये सोशल मीडिया पे भी आ गई है कि एयरपोर्ट पे जो है एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ है। उसी धमाके की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अपडेट लेने के और आप सब लोगों को देने के लिए कि एयरपोर्ट पर क्या हुआ है, आया कि हादसा टैंकर यहाँ पर जो था कोई ऑयल टैंकर उसमें धमाका हुआ है या कोई और हादसा हुआ, चलते हैं इस सारी जो इंसिडेंट है इसकी अपडेट लेते हैं और आप लोगों को देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। इस टाइम पे स्पॉट पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे तमाम मीडिया जो है इस टाइम मौजूद है और आईजी सिंध भी इस टाइम पे यहाँ पर है और बहुत सख्त सिक्योरिटी जो है यहाँ पे इस टाइम पे नज़र आ रही है। और अभी जैसे ही अभी आईजी साहब आएँगे तो अपनी वो प्रेस रिलीज भी यहाँ से जारी करेंगे। तमाम किसी भी आम बंदे को यहाँ पर आने की भी इजाज़त नहीं है और ये आप देख सकते हैं कि बहुत सख्त यहाँ पे इस टाइम पे जो है ना सिक्योरिटी है। अच्छा भैया, हम लोग इस टाइम पे आप मेरे जो बैक साइड पे देख रहे हैं यहाँ पे वो स्पॉट है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। दो किस्म की बातें जो हैं इस टाइम पे सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि ऑयल टैंकर में जो है वो ब्लास्ट हुआ है और उसके अंदर तकरीबन दो लोगों की जाने गई हैं और दो अफराद जो है ज़ख्मी हैं जिनको जिना हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया है। और दूसरी जो बात सामने आ रही है वो किसी अटैक को लेके सामने आ रही है कि कोई किसी किस्म का कोई अटैक किया गया है और उसके अंदर जो है कुछ नुकसानात हुए हैं। लेकिन अभी सारी बातें क्लियर नहीं है क्योंकि पीछे जो आप स्पॉट देख रहे हैं उस पर भी जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, ना कि कोई कैमरामैन वहाँ जा सकता है, ना कोई मीडिया पर्सन, किसी को भी इस टाइम पर वहाँ पर पुलिस एहलकार, रेंजर्स, आर्मी सब यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही सख्त सिक्योरिटी इस टाइम पर यहाँ पर है कि कोई भी यहाँ पर इवन जो बहुत सारे मीडिया टीम्स को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा और एक सर्टन जो आ भी रहे हैं उनको एक सर्टन लिमिट तक पीछे आप लोग देख रहे हैं। इस टाइम पे आईजी सिंह जो हैं वो अपने जो है एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी कर रहे हैं उनके साथ और डिस्कशन चल रही है। तो बहुत ज़्यादा रश था तो मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा रश के अंदर जो है वो आप अपनी चीज़ें सही तरह से बता नहीं पाते, तो मैंने कहा इस चीज़ को एक खुलासा करके आप लोगों को बताया जाए कि यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। और ये रोड अभी जो एयरपोर्ट से जो निकलने वाली रोड है, एक एंट्रेंस की रोड है और एक जो एयरपोर्ट के जैसे ही आप बाहर निकलते हैं जो पहला सिग्नल आता है ये उसके ऊपर ये वाला जो वाकया है वो पेश आया है। तो अभी रात के तकरीबन 1:15 हो रहे हैं और तकरीबन 2 घंटे पहले ये वाकया हुआ है। वीडियो ये रिलीज़ हो जाएगी उसको थोड़ा टाइम हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे हुआ ये वाकया और इसके अंदर कितने नुकसान हुए। 2-3 से ज़ायद जो है गाड़ियों को नुकसान हुआ है। दो अफराद जिस तरह को बताया कि वो जहाँ भाग हुए हैं। बाकी जो सारी पोजीशन है वो इंशाल्लाह आप लोगों को सुबह तक कंफर्म होगी। अभी हमारे कुछ मीडिया के दोस्त भी यहाँ पर हैं, उनसे चलते हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं तो वो भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ें। बाकी जो इस वाक़े की जो फुटेज हैं वो भी साथ साथ में आप लोगों को चला के दिखाता रहूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। बाकी अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे। अभी चलते हैं अपने दोस्त की तरफ, आसिफ भाई भी यहाँ पर हैं और लोग भी यहाँ पर हैं तो उनसे चल के बात करते हैं। ये वो है मेन स्पॉट जहाँ पे ये देखें जितनी ये वो स्पॉट है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। यहाँ पे एक रक्षा, एक पुलिस की मोबाइल और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जगह बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई है। और ये देखें आगे 2-3 गाड़ियां जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये पूरे ये देखें ये यहाँ पे एक और एक ही गाड़ी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे और ये एक ट्रक ये एक गाड़ी ये मुकम्मल तौर पे जो है ना यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा नुकसान हुआ है।
इसको देख के लग रहा है कि ये किसी टैंकर का हमला नहीं है, ये देख के या किसी टैंकर नहीं फटा, ये कोई हमला हुआ है, देख के तो यही लग रहा है सारा। एम्बुलेंसेस यहाँ पे खड़ी हुई हैं सारी। बहुत बड़ा नुकसान जो है यहाँ पे हो चुका है। सराउंडिंग में खड़ी हुई एक सामने वो गाड़ी देखें, एक सराउंडिंग में यहाँ पे एक ही गाड़ी खड़ी हुई है, तमाम गाड़ियाँ जो आसपास की हैं यहाँ पे बहुत ही खतरनाक किस्म का, यहाँ पे कोई देखने से तो यही लग रहा है कि हमला हुआ है। और भाई ये वो गाड़ी है जो हादसे में जो डैमेज हुई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये फ्रंट की स्क्रीन और जो साइड्स हैं और बम्पर वगैरह सारा डैमेज हो चुका है इसका। और ये देखें ये वो गाड़ी है, काफ़ी हद तक जो है वो डैमेज हुई है इसके अंदर। तो जी ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने आज का आपको ये सारा जो वाक़या था ये मुकम्मल तौर पे दिखाने की कोशिश की। और हम यहाँ पर आए थे तो देख के उस समय लग रहा था कि कोई पेट्रोल जो टैंकर है, जो शुरू में हम लोगों को खबर मिली थी वो ये पता चली थी कि कोई पेट्रोल टैंक फटा, लेकिन जब यहाँ पर आए और हमने आके देखा तो फिर देख के पता चला खैरियत से है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे सहाफ़ी हमारे जो दोस्त हैं वो भी मिले हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आए तो फिर हमें पता चला कि यहाँ पे ये एक हमला है जो कि एक तंजीम की तरफ से जो है उन्होंने कबूल भी किया है। और कल इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीज़ें जो है क्लियर भी हो जाएंगी, लेकिन काफ़ी बड़ा हमला था जिसके अंदर मैंने आपको अंदर की जहाँ पर जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था वहाँ तक जाके भी आपको सारी फुटेजेस दिखाई हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सेफ़ रखे, काफ़ी सारी चीज़ें सेफ़ रही हैं और आसानी अल्लाह ताला हमारे लिए करे और हमें खैर और आफियत के साथ जो है हमारे सारे मामलात को तय करे। लेकिन इतना कोई दो लोगों का जानी नुकसान हुआ है और दो से तीन लोग जो हैं वो जिन्हें हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया है। वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिएगा और हमारे मुल्क के दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे, खैर का मामला करे। अपना ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।